सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा कश्यप, प्राइमरी स्कूल बकोड़ा से। दोस्तों, मुझे भी शिक्षा मित्र की जॉब करते हुए 16 साल से ज़्यादा हो गए। दोस्तों, अभी 20 फरवरी के लिए बड़े ज़ोर शोर से हम सभी साथियों के लिए जाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है कि आप लोग लखनऊ चलिए। मैं भी इसी संबंध में अपनी शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहूँगी, खासकर महिलाओं से, कि हम और आपको इतना समय हो गया, अपना पूरा जीवन हमने इस जॉब में लगा दिया है कुछ पाने के लिए, लेकिन अभी तक हमें कुछ हासिल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो हम सब लोगों पर इतना, ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब हमें अपने बच्चे को परवरिश करते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, और इस उम्मीद में करते हैं कि भविष्य में वही बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा या हमारा नाम रोशन करेगा, कोई गारंटी नहीं है उसमें। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि इस शिक्षा मित्र की जो नौकरी हमको मिली और हम बड़े कुंठित हुए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये अन्याय हुआ या जो कुछ भी हुआ, तो साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगी, इस नौकरी को भी आप अपना बच्चा मानकर, जब हम बच्चे की परवरिश करते हैं तो हमें नहीं पता वो भविष्य में क्या करेगा, लेकिन हम उसकी परवरिश करते हैं, उसको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, उसकी पढ़ाई पर, उसके खाने पर, उसके पहनने पर खर्चा करते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगी कि इस 20 फरवरी को महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस धरने में जाना चाहिए। एक बार यही सोच लेना कि हमारे बच्चे का कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था और हम उसे एग्ज़ाम दिलाने चले गए लखनऊ में, तो आप लोग इस 20 फरवरी को लखनऊ की महासभा में ज़रूर सम्मिलित होइए, और मैं भी इसमें जा रही हूँ, और आप लोगों से भी मैं यही विनती करूँ कि आप लोग भी जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।